नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 प्राइम मिशन। झारखंड को लेकर बीजेपी अब उम्मीदवारों के नाम फाइनल की तैयारी में जुट गई है। इसे लेकर राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से राय शुमारी की गई। वहीं दिल्ली में झारखंड बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक में प्रत्याशियों के चयन से लेकर परिवर्तन यात्रा और पीएम के दौरे की तैयारी पर भी चर्चा हुई है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी रेस, उम्मीदवारों के चयन के लिए राय शुमारी, कार्यकर्ताओं से मांगे गए 3-3 नाम। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा में अभी देर है, लेकिन बीजेपी अब की बार किसी तरह की चूक के मूड में नहीं है। यही वजह है कि पूरी रणनीति के साथ न सिर्फ दमखम के साथ चुनावी अखाड़े में उतरने की तैयारी कर रही है, बल्कि कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। इसे लेकर राज्य की सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने एक साथ कार्यकर्ताओं के साथ राय शुमारी की। रांची, हटिया, कांके, खिजरी समेत तमाम विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए गए। कार्य समिति सदस्य, मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष और जिला के पदाधिकारी, मतलब एक एक लोगों से राय लिया जाता है। राय लेने के बाद सबके सर्वसम्मति से ही किसी कैंडिडेट को चुना जाता है। तो जितने लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं, आप देखें ग्रामीण क्षेत्र से भी आए हुए, मंडल से आए हुए हैं, सभी अपना जानते हैं कि हमको किस कैंडिडेट को देना है जो हमारे क्षेत्र में काम करेंगे। तो ये पार्टी के अंदरूनी कह सकते हैं, एक सर्वे भी कह सकते हैं, ये सर्वे हो गया, राय हो गया और इसी के बदौलत पार्टी टिकट के लिए प्रत्याशी की घोषणा करती है। ये जनाधार का मतलब मजबूती से जिसकी जमीन में पकड़ है उसका नाम इसमें आता है, तो उसको पार्टी विचार करती है। कार्यकर्ताओं का सम्मान है, पार्टी ने और संगठन ने जो ये किया, आज एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे देखेंगे हुजूम के रूप में हम लोग खड़े हैं। ये कार्यकर्ताओं का सम्मान है, कार्यकर्ताओं को अपने मन और दिल की बात रखने का अधिकार आज मिला है। कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को लेकर 3 नाम देने थे, इनमें वो खुद का भी नाम लिख सकते थे। उम्मीदवार के लिए 3 नाम लिखकर बॉक्स में डालना था। अब इस बॉक्स को बीजेपी ऑफिस में खोला जाएगा और फिर जिन 3 नामों को सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं के मत मिले हैं उन्हें बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। इन्हीं 3 में से किसी एक को उम्मीदवार बनाया जाएगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर कार्यकर्ता को अधिकार है कि मेरी भी राय ली जाए। उसी निमित्त आज बोकारो विधानसभा के कहेंगे कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें कौन प्रत्याशी कार्यकर्ताओं के अनुकूल पाए जाएंगे, इसलिए कार्यकर्ताओं का विचार लेने का दिन है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर कार्यकर्ताओं से राय शुमारी। दूसरी ओर दिल्ली में झारखंड बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी रहे मौजूद। चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा रहे मौजूद। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के चयन पर मंथन। 15 सितंबर को प्रस्तावित पीएम मोदी के झारखंड दौरे को लेकर चर्चा। बैठक में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर भी मंथन, यानी मिशन झारखंड को लेकर बीजेपी रांची से दिल्ली तक रणनीति बनाने में जुटी है। दिल्ली में बीएल संतोष के साथ बैठक में हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से रुचि और राजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होते हुए बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चयन को लेकर कार्यकर्ताओं से राय शुमारी कर रही है। हमारे साथ संवाददाता रुचि लाइव जुड़ी हुई है। रुचि का रुख करेंगे। रुचि, कार्यकर्ताओं से राय शुमारी की गई है, उम्मीदवारों के नाम को लेकर 3 नाम मांगे गए हैं, पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। अब बिल्कुल आयुष, देखिए 81 विधानसभा सीटों पर आज भाजपा का महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ। राय शुमारी रखी गई थी और उन कार्यकर्ताओं की राय लिए गए, उन मंडल अध्यक्षों के राय लिए गए, उन नेताओं के राय लिए गए कि कौन से विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन कौन ऐसे नाम जो है वो सामने आ सकते हैं जो बेहतर जनप्रतिनिधि के रूप में हो सकते हैं। तो इसी निमित्त चाहे वो रांची विधानसभा हो, हटिया विधानसभा की बात हो, कांके विधानसभा समेत 81 विधानसभा सीटों पर ये राय शुमारी जो है
है वो की गई और सभी के जो सलाह थे, सुझाव थे, वो बॉक्स में बंद हो करके और प्रदेश कार्यालय जो है वो पहुंच चुके हैं। तो प्रदेश कार्यालय में वो उन सभी नामों पर मंथन होगा और प्रदेश चुनाव समिति के जो सदस्य हैं वो चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर से पुनः तीन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन ऐसे नाम जो है वो सेलेक्ट करके यानी चुन करके और केंद्रीय नेतृत्व यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाएंगे और वहां से एक नाम पर मुहर लगेगी और वही प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में होगा यानी कि भाजपा के तरफ से वही प्रत्याशी होगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक एक विधानसभा क्षेत्र से दर्जनों से अधिक जो दावेदार थे वो सामने थे, लेकिन अब कौन से ऐसे तीन नाम जो है वो सेलेक्ट होकर के और सील बंद डब्बे में आए हैं और अब चुनाव समिति की जब बैठक होगी यानी कि प्रदेश चुनाव समिति के जो सदस्य हैं वो बैठक करेंगे, मंथन करेंगे और उसके बाद जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति को वो सारे नाम जाएंगे। देखिये, सबका ये कहना था, हालांकि कई नेताओं का ये कहना था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए यानी कि कैसे उस सीट पर कमल फूल का जो सिंबल है यानी कि जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत हो, ना कि प्रत्याशियों के नाम में भले हेरफेर हो सकते हैं और जिनका नाम हो, जिनके नाम का चयन होगा उसमें सभी कार्यकर्ता जो हैं वो जुट जाएंगे, कैसे उन्हें जिताया जाए। चूंकि हमारी लड़ाई, चूंकि कई ऐसे प्रत्याशियों ने कहा है कि हमारी लड़ाई जो है वो सिस्टम से है, सरकार से है, हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, ये तो प्रत्याशियों के नाम की राय सुमारी जो है यानी कि इस बार कार्यकर्ताओं को प्रायोरिटी दी गई है, प्राथमिकता दी गई है और कार्यकर्ता जो है वो नाम चयन करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कार्यकर्ता नाराज होते हैं जब प्रत्याशियों के नाम का चयन होता है तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जाती है, तो वो नाराजगी को दूर करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम तय किए गए थे। दूसरी बात, आपने आयुष कही कि देखिए आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है 15 सितंबर को और दौरे को लेकर के भी कैसे वहां पर संख्या बल अधिक हो, कैसे उस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, चूंकि वो वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन के साथ साथ, चूंकि जमशेदपुर आ रहे हैं और वहां पर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी करने वाले हैं और एक परिवर्तन सभा होगी यानी कि परिवर्तन सभा को वो संबोधित करेंगे। तीसरा जो हम कार्यक्रम है आगामी दिनों में, चूंकि परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी और परिवर्तन यात्रा 20 तारीख से लेकर के यानी कि 20 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच होगी, तो कई ऐसे बड़े चेहरे जो हैं, राष्ट्रीय चेहरे हैं, वो यहां पर देखने को मिलेंगे, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो, तो इस तरह से आगामी दिनों में कई ऐसे बैक टू बैक कार्यक्रम जो है वो बीजेपी के होने हैं। जी आयुष, बिल्कुल बने रहिएगा रुचि हमारे साथ। हमारे साथ संवाददाता राजेश भी लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, चूंकि अब रायशुमारी के बाद पेटियां बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच गई है, केंद्रीय नेतृत्व को तीन नाम भेजे जाएंगे, तो क्या यह माना जाए कि बहुत जल्द उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगने वाली है? नहीं, देखिए ये प्रक्रिया है, प्रत्येक जो चुनाव होते हैं जिस प्रकार से, जैसे लोकसभा का चुनाव हो उसमें भी रायशुमारी की जाती है, पिछले बार विधानसभा चुनाव में भी रायशुमारी की, और जो पार्टी ने अपने स्तर से जो सर्वे कराए हैं वो तमाम फैक्टर्स भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये पार्टी के अंदर की लोकतांत्रिक व्यवस्था का द्योतक है कि लोग जो उस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है और इस बार तो उसे और भी विस्तारित कर दिया गया है। शक्ति केंद्र के जो संयोजक हैं, फिर सह संयोजक, ये सभी लोगों को उसमें शामिल किया गया है, तो एक अच्छी खासी संख्या वैसे लोगों की है जो अपने विचार लिखित रूप में पुर्जा में डाल लिख कर वो पेटी में डाल देते हैं। ये पेटी से अब प्रदेश कार्यालय में सारी कहें कि पुर्जा खुलेगा और उसमें से जो नाम सिलेक्ट होंगे वो नाम तय किए जाएंगे कि क्या है। ये एक प्रक्रिया है और इसमें इससे पार्टी ये दर्शाना चाहती है कि हम कार्यकर्ताओं के विचार से भी हम बहुत सरोकार रखते हैं और प्रत्याशी चयन में हम उनकी विचार, उनके सोच, वो क्या चाहते हैं, कैसा आदमी यहाँ का प्रत्याशी हो, उनके विचार को जानने का ये प्रयास है। लेकिन बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर प्रत्याशी का चयन होता है, एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये जरूर है। देखिए अभी हमने बात की थी जेबी तुवित जो तोरपा विधानसभा क्षेत्र में इसी कार्य के लिए प्रभारी थे, वहाँ पर गए थे, उन्होंने कहा कि ये पार्टी की आंतरिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा बेहतर उदाहरण है, बहुत कम दलों में इस तरह की बातें होती है। लेकिन काफ़ी उत्साह था जो
कार्यकर्ता अपने विचार लिखित रूप में दे रहे थे, उन्हें एक दो तीन नाम देने हैं, किसी ने चार नाम भी लिख दिए होंगे या किसी ने दो ही नाम दिए होंगे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। बाकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसमें, और कौन सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं के बीच प्रमुख है, प्रसिद्ध है, इससे पता चलेगा। और कहीं ना कहीं पार्टी को ये जरूर लगेगा कि जो स्पेसिफिक विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो किसे पसंद करते हैं, अगर रांची में किसे पसंद कर रहे हैं, हटिया में किसे पसंद कर रहे हैं, ये एक ओवरऑल एक कहीं ना कहीं डेटा आ जाएगा कि हाँ ये आदमी सबसे ज़्यादा पसंद किए गए हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। उसके बाद अन्य चीज़ें देखी जाती कि उस व्यक्ति का जनाधार कैसा है, क्षेत्र में कैसा जनाधार है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके आधार पर प्रत्याशी का चयन होता है। आयुष, बिल्कुल राजेश, तो पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बीजेपी का कहना है कि हम लोग उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का इच्छा क्या है, कार्यकर्ता क्या चाह रहे हैं, किनको उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, सब राय शुमारी ली जा रही है, पेटियां पहुंच गई है बीजेपी प्रदेश कार्यालय, बहुत जल्द तीन नाम हर विधानसभा क्षेत्र के लिए केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा, फिर फैसला होगा और फिर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। रुचि और राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार बीजेपी मिशन झारखंड को लेकर पूरी तरह से रेस नजर आ रही है, सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में रायशुमारी बैठक हुई, कार्यकर्ताओं से नाम लिए गए, जिन तीन नामों का चयन किया जाएगा हर विधानसभा क्षेत्र से उन्हें केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाएगा और बहुत जल्द हो सकता है कि उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।